दोस्तों ये मटकी लाया हूँ अभी हमारा जो है बजीज का ये वाला जो पेयर है इसको मटकी लगानी है, क्योंकि बाकी सब की जो है ना लगी हुई है मटकी, सिर्फ इस वाले पेयर की जो है ना मटकी नहीं लगी हुई। तो मैंने सोचा कि जो है मटकी लाई जाए और इसकी मटकी लगा दी जाए ताकि ये भी ब्रीड करे और सारे एक साथ ब्रीड करें, क्योंकि मैं सारे पेयर जितने भी हैं ये पाँच एक साथ ही लाया हूँ, तो मेरी कोशिश है कि ये सारे एक साथ ब्रीड करें। तो बाकी चलते हैं बाहर। ओए यार बहुत गर्मी है आज तो, और इन असील पेयर की आप हालत देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है गर्मी की वजह से। और ये जो एक नाकाम कोशिश की थी मैंने इनके लिए टोकरा बनाने की, इसका जो है ना वज़न काफ़ी कम है, बहुत कम वज़न है, जिसकी वजह से ना ये आराम से इसको उठाकर जैसे यहाँ से ये यूँ उठा लेते हैं और निकल आते हैं बाहर। फिर बाहर आकर वो पीछे फैंसी मुर्गे को डराता है, ये असील मुर्गा, और काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। तो आज यार मैं सोच रहा हूँ कि इनके लिए बनाऊँ केज। इसके लिए कुछ लकड़ियाँ ये भी पड़ी हैं मेरे पास, कुछ ये भी हैं, तो केज आज इसके लिए बनाता हूँ। ड्रिल मशीन मैं सुबह ले आया था, और इसके अलावा जो है हैंड सॉ भी है ताकि लकड़ियाँ काट भी सकूँ, उनको जोड़ भी सकूँ। लेकिन ये जो लकड़ियाँ रखी हुई हैं ये काफ़ी कम हैं जो ये हैं। तो ये जो हमारा केज है इसमें से हम लकड़ियाँ निकालेंगे। तो अभी जो है ना ये लकड़ियाँ और कबूतर यहाँ से हमें निकालने हैं। तो ये लकड़ियाँ जो लंबे वाली हैं ना, ये वाली, ये काफ़ी काम की हैं, ये तकरीबन इसमें लगी हुई हैं चार। तो ये चार निकल आएंगी तो हमारा जो है ना काम बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो है मुझे कपड़े चेंज करने होंगे। अगर मैं ये कपड़े ख़राब कर लूँगा तो यकीन करो भाई मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है ना पुराने सी शर्ट डाल लेता हूँ और पुराने कपड़े पहन लेता हूँ, ताकि काम करते वक्त अगर कपड़े ख़राब भी हो जाएं तो मसला ना हो। तो मैं चेंज करके अभी आपके सामने हाजिर होता हूँ। नहीं जी दोस्तों, कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, अब जो है हम अपने औजार वगैरह सारे जो है इकट्ठे करते हैं। सबसे पहले जो है हम चलेंगे ड्रिल मशीन और हमारा जो चेन सॉ है, चेन सॉ सॉरी नहीं हैंड सॉ, तो इसको हम ले चलते हैं बाहर, इसको बाहर रखते हैं। तो इसके बाद लकड़ियाँ भी हम वहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले फिर कबूतरों को निकालना होगा ताकि कबूतर निकल जाएं, तो फिर जो है हम लकड़ियाँ भी यहाँ पे सेट कर सकें। तो यहाँ पर तकरीबन आठ एक कबूतर हैं, तो इनको जो है ना निकाल कर उस केज में जो है डाल दूंगा। शिफ्ट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों सारी जो है ना लकड़ियाँ मैंने निकाल ली हैं इसमें से, सिर्फ ये जो बड़े वाली हैं ये लगी हुई हैं। तो तकरीबन इतना कोई केज बनेगा, जैसे ये मैंने अब निशान लगा कर रखे हुए हैं, तो इस हिसाब से जो है केज बनेगा। और अभी मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ तो आपको साथ साथ ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से बनेगा केज और कैसा बनेगा। केज बनाने से पहले दोस्तों मटकी जो मैं लाया हूँ इनको लगा देता हूँ। देखें पेयर बिल्कुल रेडी है, तो पहले ही मैं मटकी लगा लेता हूँ। तार भी मैंने ले ली है, तार भी दोस्तों लग गई है, और अभी इस केज को खोलते हैं। तो खोलने के बाद जो है मटकी लगा लेता हूँ, मटकी लगा कर फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बनाना और दूसरे हाथ से मटकी लगाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यूं ना हो कि परिंदे उड़ जाएं। तो पहले मैं मटकी लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, मटकी लग गई है और देखें तोता खुश भी हो रहा है कि मटकी लग गई है। दोस्तों काफ़ी मेहनत करने के बाद जो ना अभी सिर्फ ये एक फ्रेम बना है, और ऐसा दूसरा भी बनाना है। उसके बाद इसके जो ना चार ये लकड़ियाँ लगेंगी और ये फ्रेम जो है हमारा मुकम्मल हो जाएगा। और मेरी हालत देखें अभी से, इतना शदीद गर्मी है, तो लेकिन मुझे गर्मी इतनी महसूस नहीं हो रही, वजह पता है क्या है? ये है सिर्फ शौक, बंदे को शौक हो ना तो बंदा कुछ भी करता है भाई। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और बस बाकी दूसरा फ्रेम भी बनाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि ये दो फ्रेम बन जाते हैं। उसके बाद फिर जो ये चार लकड़ियाँ हैं ये भी हम लगाएंगे, और उसके बाद आखिर में सिर्फ जाली लगाएंगे। इसका दरवाज़ा वगैरह कुछ नहीं बनाना, ये टोकरे नुमा ही बनेगा। बस उठाया इसको नीचे से मुर्गी और मुर्गे को बंद कर दिया, तो दरवाज़ा वगैरह लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ले जी दोस्तों, दूसरा फ्रेम भी रेडी हो गया है। अब ये जो चार स्टिक्स हैं ये वाली, ये लगेंगी इनके जो है बॉर्डर्स पे। तो अब ये स्टिक्स भी लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, केज जो है ना हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है।
अब जो है ना इसको सिर्फ खड़ा करना है और दो पेच लगेंगे और ये बिल्कुल सीधा जो है फ्रेम बन जाएगा। तो ये फ्रेम मैं बना लूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ कंप्लीट। जब फ्रेम खड़ा हो जाएगा तो उसके बाद इसके ऊपर सिर्फ जाली लगानी होगी और कोई भी काम नहीं करना। ले जी दोस्तों, फ्रेम हो गया रेडी। तो अब जो है ना करना ये है कि इसको जो है ना इस साइड से और ये फ्रंट वाली साइड से जो है ना जाली लगाएंगे। पीछे वाली जो साइड है वो उस दीवार के साथ होगी और दूसरी साइड जो है वो उस वाली दीवार के साथ होगी, वो बंद हो जाएगी। तो बस मैंने जो है ना इनको बंद करना है ऐसी जगह पे कि ये निकले ना बाहर, क्योंकि बाहर निकलते हैं ना जब तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो अब यहाँ पे शीटें वगैरह रखी हुई हैं लोहे की, तो छत पे जो है ना एक छोटा पीस नीचे रखा हुआ था तो उसको निकालता हूँ और देखते हैं कि अगर वो छत पर पूरा आता तो उसको लगा देते हैं। दोस्तों शीट का टुकड़ा तो मिल गया, ये जो लोहे की शीट है, लेकिन ये बहुत छोटा ही टुकड़ा है, इससे जो है बड़ा पीस है नहीं। तो बाकी ये दो फट्टे थे, अब एक फट्टा भी पूरा आ गया, लेकिन ये जगह जब बचती है तो ये फट्टा पूरा यहाँ पे आ नहीं रहा, थोड़ा सा छोटा है। तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि कोई जहन लगाऊँ, जैसे लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं तो इनसे जो ना एडजस्ट करके छत बना दूँ। बस ये है कि ये निकल ना पाएँ, छत पर मैं कुछ भी रख दूँगा इशू नहीं है। तो ये निकले ना, आप देखें निकले हुए बाहर, ये सारा जो है गंद, बीठे वगैरह इन्होंने की हुई हैं, सारी गंद किया हुआ है। तो जब भी घर वाले फिर ऊपर आते हैं तो मुझे बातें सुननी पड़ जाती हैं, तो इसलिए जो ना मजबूरी है। तो अब ये जो ना इसको मैं किसी तरीके से एडजस्ट करता हूँ और एडजस्ट करने के बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। दोस्तों अब जो ना मैं जाली ले आया हूँ नीचे से, नीचे रखी हुई थी हमारे घर में जाली, तो साथ में कील भी लाया हूँ, इस पैकेट में कील हैं और हथौड़ी है पड़ी, और ये जो है ना जाली काटने के लिए कटर लाया हूँ। अब जो है ना जाली काटते हैं और इस केज को जो है जाली लगाते हैं। तो छत के बारे में मैंने ये सोचा है कि दोस्तों ये छत जैसे फटे रखे हुए हैं ना, मैं कहता हूँ ऐसे फटे रखे रहें, और इसके ऊपर जो है ना ये कारपेट रखा हुआ है मेरे पास यहाँ पे, काफ़ी अरसे से रखा हुआ और काम भी नहीं आ रहा ये वाला। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके जो ना डबल या ट्रिपल करके ना इसके ऊपर बिछा दूँगा, ताकि ये छत इधर उधर भी ना हो और बारिश भी वैसे इसके अंदर नहीं जा पाएगी जब ये छत इस तरीके से मैं लगाऊंगा। तो फिर हमारे जो ना मुर्गा मुर्गी चलो यहाँ पे बंद रहेंगे, ये जान छूटी रहेगी, यहाँ पे बिल्ली का भी ख़तरा नहीं है, किसी भी चीज़ का ख़तरा नहीं है। बस ये बनाने का मकसद यही है कि ये निकले ना बाहर, क्योंकि बाहर जब ये निकलते हैं तो यार बड़ा नुकसान करते हैं, बहुत ज़्यादा सारा दाना ख़राब कर देते हैं, तोतों का गंदम भी खेर देते हैं सारी, और वो फैंसी मुर्गा जो हमारे पास बेंटम है तो उसको भी ये मारता है जाके, तो बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो अब मैं जो है ना जाली काटता हूँ, काटने के बाद लगाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों यार काफ़ी ज़्यादा जो है ना थक गया हूँ, छत लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने जो सोचा हुआ था वैसा ही करना पड़ा मुझे। कारपेट जो है ना उठाकर ऊपर इसके बिछा दिया मैंने, कारपेट काफ़ी जो है ना मोटा है, इसकी तकरीबन चार तह है, यानी कि इसको चार बार मैंने फोल्ड किया उसके बाद ऊपर बिछा दिया। तो अब जो बारिश वगैरह भी अंदर नहीं जाएगी, और नीचे से मैंने खला रखा है, यहाँ से जो ना दाना पानी का इनका जो है किया करेंगे, खोलना मैंने इनको वैसे भी नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। तो अब जो है ना हमारे बर्ड्स का दाना यार सेफ़ है ये, क्योंकि वो काफ़ी नुकसान करते हैं मेरा। तो अब बाकी सुबह इसमें जो है ना मिट्टी वगैरह डाल दूँगा नीचे, ताकि ये जो है ना खेलें कूदें और इन्जॉय करें। कैसी लगी दोस्तों आज की आपको ये वीडियो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है मैंने, तो आज वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक लाजमी करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।